दोस्तों 15 अगस्त मंगलवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त श्री कृष्ण के आने की खुशियां मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, वहीं मोर पंख उन्हें बहुत ही प्रिय है। मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना जाता है। विशेष तौर पर मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें जन्माष्टमी की रात में करने से सभी समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। जन्माष्टमी की रात को मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख लगाएं और उनका पूजन करें। उसके बाद 40वें दिन उस मोर पंख को लेकर तिजोरी में रख दें। इससे धन और यश संबंधी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखकर जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रख दें। अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए और बिना किसी से बात किए उस मोर पंख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि जल में प्रवाहित न कर सकें तो मोर पंख को किसी पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से शत्रु का भय खत्म हो जाएगा। शत्रु मित्र बन जाएंगे जो हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। वही जन्माष्टमी की रात तकिए के नीचे 7 मोर पंख रखें। इससे कुंडली के काल सर्प दोष दूर होते हैं। 11 मोर पंखों से निर्मित पंखा शयन कक्ष की पश्चिम दीवार पर लगाएं। प्रतिदिन उस पंखे से एक बार खुद को हवा कर लें। इससे भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।